नमस्कार दोस्तों, पूर्व नियति मुक्त चुनाव पढ़े पिसियोंग 1:3-5। हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों, और प्रेम में उसने अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिपालक पुत्र हों। दोस्तों, मसीह के माध्यम से उनके अनुग्रह के उपहार सभी के लिए निःशुल्क है। अपने स्वयं के अलावा कोई चुनाव नहीं है जिसके द्वारा कोई भी नष्ट हो सकता है। ईश्वर ने अपने वचन में वे स्थितियां निर्धारित की हैं जिन पर प्रत्येक आत्मा को मसीह में विश्वास के माध्यम से उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अनंत जीवन के लिए चुना जाएगा, उसे महिमा के राज्य में प्रवेश मिलेगा। प्रत्येक आत्मा को चुना जाता है जो डर और कांप के साथ अपने उद्धार का क्रिया करेगा। वह चुना जाता है जो कवच पहनेगा और विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ेगा। वह चुना जाता है जो प्रार्थना पर ध्यान देगा, जो शस्त्रों की खोज करता है और प्रलोभन से भागेगा। वह चुना जाता है जो निरंतर विश्वास रखेगा और जो परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर शब्द का आज्ञाकारी होगा। उद्धार के प्रावधान सभी के लिए स्वतंत्र है। उद्धार के परिणाम का आनंद लिया जाएगा उनके द्वारा जो शर्तों का अनुपालन किया है। सभी मनुष्यों के लिए परमेश्वर का उद्देश्य। सवाल एक, मनुष्य के लिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? पढ़े 1 तीमोथी 2:3-4। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। 2 पत्रस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सवाल 2, परमेश्वर के अनुग्रह में कितने शामिल हैं? यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 2:11। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों में उद्धार लाने में सक्षम है। 2 वाक्य 22:17। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। सवाल 3, हम पहले से किसके लिए नियुक्त किए गए हैं? उनके पुत्र की छवि के अनुरूप होने के लिए पहले से नियुक्त किए गए हैं। रोमियों 8:29। यीशु मसीह के द्वारा बच्चों को गोद लेने के लिए 1:5। उसके उद्देश्य के अनुसार जो सभी चीज़ों को अपने इच्छा के अनुरूप कार्यान्वित करता है 1:11। गोद लेने की प्रक्रिया एक आदम के परिवार से मसीह के परिवार दूसरे आदम में स्वैच्छिक संतरण है। प्रथम आदम का परिवार जो पापी हैं, दूसरी आदम का परिवार धर्मी बनाए जाते हैं। रोमियों 5:19। पहला आदम का परिवार में सब मरते हैं, दूसरे आदम के परिवार में सभी को जीवित किया जाएगा। 1 कुरिन्थियों 15:22। पहला आदम का परिवार में एक जीवित आत्मा है और दूसरे आदम का परिवार में एक त्वरित आत्मा है। पहले आदम का परिवार में प्राकृतिक हैं, दूसरे आदम के परिवार में आध्यात्मिक हैं। 1 कुरिन्थियों 15:46। पहला आदम में सांसारिक हैं, दूसरे आदम में स्वर्गीय हैं। 1 कुरिन्थियों 15:47-48। वे सभी जो पहले आदम के परिवार के सदस्य बने हुए हैं अनंत विनाश के लिए नियत हैं। वे सभी जो दूसरे आदम के परिवार के सदस्य बनते हैं और बने रहते हैं अनंत जीवन के लिए चुने जाते हैं। पाप की मजदूरी और परमेश्वर के उपहार की तुलना करें। रोमियों 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। सवाल 6, दुष्ट लोग मृत्यु से कैसे बच सकते हैं?
पढ़ें इजकेल 18:32, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। और इजकेल 33:11, इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इसराइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। परमेश्वर अब सबों को आशीष करे। आमीन।